नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज। पहली खबर गौरेला से सामने आई है, जहां नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। खबर नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से सामने आ रही है, जहां कोरोना काल में हुई चौथी श्रेणी भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल के दौरान काम करने वाले सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, वार्ड आया के पद पर भर्तियां हुई थी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने विधिवत भर्ती भी निकाली थी, जिसमें 3 महीने तक या जब तक कोरोना का खतरा रहेगा तब तक अस्थायी नौकरी देने की बात कही गई थी। स्वास्थ्य विभाग में काफी संख्या में लोगों ने आवेदन भरा और परसेंट के अनुसार आधा दर्जन से अधिक लोगों की भर्ती भी करा ली गई। कोविड काल के लिए जो भी भर्तियां चौथी श्रेणी में हुई हैं, उसके पीछे जांजगीर चांपा के गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। नौकरी देने के लिए मोटी रकम भी वसूली गई है। मामले का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोविड काल में हुई चौथी श्रेणी भर्ती के अभ्यर्थियों ने उनकी अंक सूची जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापित करवाने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा में वे लोग अपनी मार्कशीट सत्यापित कराकर नहीं लाए तो उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के लोगों की मिलीभगत सामने आएगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी कि 8वीं वाला फर्जी प्रमाण पत्र द्वारा जैसे कुछ भर्ती किया गया है, तो उसमें हम लोगों ने संबंधितों को नोटिस दिया हुआ है कि अपना जो प्रमाण पत्र है उसको संबंधित ब्लॉक के बीओ से उसको सर्टिफाई करा के लाए तभी मान्य किया जाएगा। अदरवाइज मान्य करा के नहीं लाने पर उनकी नौकरी समय समाप्त हो जाने की हम लोगों ने उनको जानकारी दी है और इस संबंध में हमारे पास अभी कुछ लेटर आया नहीं है। यह सूचना मिली थी कि 8वीं वाला। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफें की है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों, गरीबों और मजदूरों की मदद करने में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार एक के बाद एक अच्छे कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा कर रही है। राहुल गांधी ने आज वर्चुअल रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री निवास रायपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में 1104,27,00,000 रुपए की राशि अंतरित की। यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चौथी किश्त के रूप में दी गई। किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की आदान सहायता दिए जाने के अपने वायदे को छत्तीसगढ़ सरकार ने आज चौथी किश्त देकर पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार की बहुआयामी गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 1,62,000 से अधिक पशुपालकों व ग्रामीणों से बीते एक महीने में क्रय किए गए गोबर के मूल्य के एवज में 7,55,00,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की। खबर राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खबर राजनांदगांव जिले के गंडई थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आ रही है, जहां कुछ समय पहले 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। वही मामले को गंभीरता से लेते हुए गंडई थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक 21 साल का है। पीड़िता बच्ची को दुकान ले जाने के बहाने से उसके घर से साथ ले गया था। काफी देर तक बच्ची के घर नहीं आने पर परिजनों ने युवक से पूछताछ की तो युवक गोलमोल जवाब देते रहे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने परिजनों के द्वारा जताए गए शक के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही घर के पीछे रखे पैरावट में दुष्कर्म करना और पैरावट में गला दबाकर मारने की कोशिश करना काबुल किया। आपको बता दें कि पुलिस ने मासूम की पता साजी के दौरान उसे पैरावट से बेहोशी की हालत में बरामद किया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है स्वच्छता एंथम। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्वच्छता एंथम स्वच्छ बने हे छत्तीसगढ़ा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जारी किया। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन ने इस एंथम में अपनी आवाज दी है। भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता स्वच्छ सर्वेक्षण 21 में तीसरी बार नंबर 1 के पायदान पर पहुंचने के लिए राज्य शहरी व विकास अभिकरण ने राज्य का स्वच्छता एंथम बनाया गया। इस एंथम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि राज्य के नागरिकों के योगदान से ही छत्तीसगढ़ स्वच्छता का ताज तीसरी बार हासिल करने में कामयाब रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ को पिछले 2 सालों से लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण 19 व 20 में देश का स्वच्छतम राज्य निरूपित किया गया है। तीसरी बार भी ऐसी ही उपलब्धि हासिल करने के लिए एंथम जारी किए जाने के अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान दिया है। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है, जहां कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। बैठक में कोरोना को लेकर समीक्षा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि प्रदेश में कोरोना का दूसरे दौर का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा है। हम लोग देश में छठे स्थान पर आ गए हैं, ये चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़े संक्रमण के बीच निर्देश दिया गया है कि स्कूल, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्र जो खुल रहे थे उसे तत्काल बंद किया जाएगा। जरूरी परीक्षाएं सिर्फ ऑनलाइन ही होंगी, साथ ही कक्षाएं भी ऑनलाइन ही संचालित की जाएंगी। साथ ही चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया गया कि वो कलेक्टरों के साथ बैठक कर कोरोना के मद्देनजर और होली के संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना को लेकर सख्त निर्देशों का पालन करना जरूरी हो गया है। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां कैबिनेट मंत्री के बेटे पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। ग्राम गुथकिया विकास खंड मनोरा जिला जाधपुर के पहाड़ी कोरवा मखुल सहित अन्य की संयुक्त खाते की कृषि भूमि रकबा 24.88 एकड़ के छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के पुत्र आशीष भगत के द्वारा स्थानीय दलालों के माध्यम से फर्जी रूप से रजिस्ट्री करा ली गई। दरअसल यह मामला राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरवा जनजाति परिवार के पैतृक भूमि की खरीदी का है। आपको बता दें कि यह मामला राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरवा जनजाति परिवार के पैतृक भूमि की खरीदी का मामला है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आशीष भगत पर फर्जीवाड़ा कर जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया है, जिसकी विषय वस्तु जानने के लिए 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। भाजपा ने जांच कमेटी के पदाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी है और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले इसके लिए बीते दिनों राज्यपाल को कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, ताकि इसकी जांच निष्पक्ष हो। और साथ ही ये मांग भी की कि रजिस्ट्री कैंसिल कर जमीन वापस करें। से रखा है, वास्तव में ये मामला बहुत ही गंभीर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बैठे के कैबिनेट मंत्री ने अपने जज जो वर्तमान में जज पद में है उनके नाम से ग्राम तकिया विकास का मनोरा जसपुर जिला का पहाड़ी कोरवा परिवार
खबर रायपुर से सामने आई है जहां नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है जहां किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान किया गया है। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बयान आया सामने कि 15 महीने में राशि देकर किसानों से हुआ अन्याय, सरकार को ब्याज समेत राशि देनी चाहिए थी, राशि किस्तों में मिलने से किसानों को परेशानी हुई, दरअसल इस राशि के दुरुपयोग होने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए सरकार सोच समझ कर यह राशि अभी दें। में ये अन्याय है कि दिसंबर जनवरी में पिछले साल धान की खरीदी हुई थी और लगभग 15-16 महीने बाद में चौथी किस्त दी गई है। यदि एक मुश्त राशि मिलती तो किसानों को इसका लाभ मिलता और इस राशि का सदुपयोग करते। हम मांग करते हैं कि सरकार को इसको ब्याज के साथ में किसानों को राशि दी जानी चाहिए। साथ ही जिस समय परिस्थिति पे किसानों को राशि दी गई है इसका सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग की संभावना ज्यादा है। आप में ये अन्याय है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।